शोर तू मेरी ओर चल निकला चढ़ प्रेम लोर बादल के चोर कर मेरी तो आज है डे 3 और तीसरा व्लॉग है। तो आज मथुरा की गलियों से अपना तीसरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो अभी सुबह के बजे 6:30 तो रेडी होके अब जा रहे हैं एन बाबू के लिए दूध लेने के लिए। तो हल्का आगे मिल जाएगा, प्यास लगी थी पानी बोतल ले लिए, तो दूध लेते हैं फिर चलते हैं होटल। अयान बाबू जगी हो गई। आई बाबू मेरा रेडी होके आ गया कुर्ता पैजामा। भाई साहब दोनों येलो, चाचू और भतीजा दोनों क्या है बाबू येलो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं निधिवन के बाहर। अब निधिवन घूमेंगे और शायद फोन अलाउड होगा तो आपको दिखा भी देंगे। बाकी यहाँ पे काफी ज्यादा बंदर रहते हैं बताया जा रहा है, तो वो आपका फोन छीन लेंगे, तो थोड़ा बहुत सेफ रहना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जाए चाय पीने के लिए क्योंकि अभी सुबह से चाय पिए नहीं है। तो गाइस चश्मा हमारी मौसी का लेके गया, तो हम सब ने तो चश्मा उतार दिया है और फोन भी डर के निकाल रहे हैं कि फोन ना लिए चला जाए। बिल्कुल एकदम से आएगा लेके चला जाएगा। तो अभी चाय पीते हैं हम लोग। देखो बाकी नागपुर मार दिया, फ्रूटी लेके आए थे देने के। गाइस हम लोग आए खस्ता और पूरी सब्जी सलोनी ले लिए, तो ये सब खाने आए हैं, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। गाइस आ चुके हैं हम लोग निधिवन के अंदर, यहाँ पे जूते उतारे फिर अंदर चलेंगे। तो गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं निधिवन में, तो यहाँ पे पूरा जाली टाइप का लगा है लकड़ियों से, तो यहाँ अंदर आएंगे नहीं तो यहाँ पे मस्त सब व्लॉग बनाएंगे। और शैडो कितनी पड़ रही है, चलो 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 भाई, तो बोलो राधे राधे। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा यहाँ पे आके अच्छा लगने लगता है। आ चुके हम लोग बांके बिहारी मंदिर, तो ये रहा पीछे पूरा, तो बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो गाइस तो बांके बिहारी होके हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन टेंपल और प्रेम मंदिर के पास में। तो सामने ही प्रेम मंदिर है, हल्का फुल्का दिख रहा होगा आपको, रील वगैरह में काफी ज्यादा देखा है। आप तो असलियत में देख रहे हैं तो काफी ज्यादा सुंदर, अभी अंदर तो गए नहीं है। बाकी इस्कॉन टेंपल चलेंगे, प्रेम मंदिर का हम लोग ने थोड़ा लेट में प्रोग्राम बनाया क्योंकि रात में काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना शाम को। 11:30 बज चुका है, 12 बजे तक मंदिर यहाँ पे बंद हो जाते हैं, तो अभी तो हम लोग जाएंगे नहीं, तो अभी इधर ही उधर रुकेंगे। बाकी मम्मी लोग आइसक्रीम खा रही है और हम काला खट्टा। तो गाइस मंदिर तो यहाँ पे 4 बजे खोलेंगे, तो अभी होटल ले लिया है सिर्फ 4 बजे रुकने तक का, तो यहाँ होटल में रुकेंगे, फिर उसके बाद प्रेम मंदिर जाएंगे, फिर इस्कॉन टेंपल पहले जाएंगे, फिर प्रेम मंदिर जाएंगे। तो बस दो जगह घूमेंगे फिर हम लोग निकल लेंगे लखनऊ वापस। तो बस अब होटल पे थोड़ा सा रुकते हैं, अभी भी सनग्लासेस लगाए क्योंकि मेरे जो टेस्टेड वाला ग्लास है पता नहीं कहाँ है, किसी को मैंने दे दिया था। चलो आराम करते हैं। तो गाइस मस्ती नींद ले ली अपने होटल में, तो अब यहाँ से चेकआउट करेंगे, अब जाएंगे इस्कॉन टेंपल और भाभी यहाँ मेकअप वगैरह करी तो जल्दी से रेडी होगी फिर इस्कॉन टेंपल चलेंगे। तो गाइस अभी आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देंगे, छोटा सा रूम है। तो गाइस ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से जैसे आप एंटर करेंगे ये है टीवी और ये है बेड जिसपे दद्दा और भाभी मेकअप कर रही, दद्दा लेटे हैं, फिर वो दूसरा बेड है और यहाँ आपको मिल जाएगा टॉयलेट बाथरूम पूरा, और बाकी ये छोटी सी इधर खोलते हैं बाकी इधर छोटी सी बालकनी दे दी गई है। अयान बाबू हटो, छोटी सी बालकनी दे दी गई जिसका कुछ काम नहीं है, हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चलो फिर दूसरी जगह, बाकी टॉयलेट दिखा देते, बाकी यहाँ पे शीशा लगा हुआ है जहाँ पे आप लोग रेडी हो सकते हैं और यहाँ पे सारा सामान रख सकते हैं। तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से चेकआउट करते हैं। तो गाइस आ चुके हम लोग इस्कॉन टेम्पल के बाहर, तो ये देख सकते हैं यहाँ है मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे, बाकी अंदर चलेंगे। अंदर भाई काफी ज्यादा सुना था कि काफी ज्यादा प्यारा है, तो चलो जल्दी से निकलते हैं। तो वैसे
क्या प्रसाद भी खा लिया, काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। मम्मी लोग खा रहे, हम लोग आए यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए। तो गाइस पूरा इस्कॉन टेम्पल टहल लो, काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे फॉरेनर्स कुछ ज्यादा ही है, लेकिन भाई साहब क्या गाते फॉरेनर्स, काफी ज्यादा मजा आती है। आप लोग आएंगे तो काफी ज्यादा मजा आएगी, खूब डांस करेंगे अपने आप भाई, डांस करने लगोगे। और बाकी गाना आप लोग पीछे सुन ही रहे, राधे राधे। इस्कॉन टेम्पल से बाहर निकल चुके हैं और ले लिए फ्रूट्स, क्योंकि काफी ज्यादा भूख लग गई थी। मैं आया था होटल से देखने के लिए, बट मुझे फ्रूट दिखे नहीं क्योंकि थोड़ा सा हल्का आगे था, हम पीछे से ही चले गए थे क्योंकि काफ़ी थक गए थे ना चलते चलते, और फ्रूट दिखने गए थे तो फ्रूट्स भी ले लिए। अब खाते चल के अब चलेंगे प्रेम मंदिर, और पूरे मतलब कि जब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, प्रेम मंदिर में रुकेंगे, इंजॉय करेंगे। आ चुके हम लोग प्रेम मंदिर के अंदर, और यहाँ का व्यू तो अलग ही लेवल है। जय श्री राधे राधे, आज चुके हम लोग प्रेम मंदिर के अंदर। यहाँ का व्यू इतना ज्यादा औसम, इतना ज्यादा मजेदार है कि भाई काफी देख के अच्छा लगा। झूमर इतने प्यारे प्यारे हैं, बाकी कृष्ण कन्हैया लाल भी इतने प्यारे हैं, तो बोलो राधे राधे। हम लोग घूम रहे हैं, इतने शाम टाइम भाई मैंने चश्मा लगाया है, सन ग्लासेस, तो सब लोग अजीब अजीब देख रहे हैं, बट हम अपने वो भूल गए ना क्लासेस, तो इसलिए ये वाले लगाए हुए हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको तो सब साफ दिख ही रहा है, चलो एंजॉय करते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे पूरी, आप लोग देख सकते हैं पूरा ऊपर तक सब जगह भीड़ ही भीड़, खचाखच, पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल मेरे पीछे पूरा मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा भाई खूबसूरत है। तो भाई सब निकल रहे हैं यहाँ से, प्रेम मंदिर भी हो लिए हैं, और मम्मी लोग यहाँ पे अंधेरा अंधेरा क्योंकि यहाँ पे अपनी ट्रैवलर पार्क है। तो यही करते हैं वृंदावन को बाय बाय और चलते हैं लखनऊ, अब सीधा लखनऊ चलेंगे। तो कन्हैया लाल की जय।